धनबाद जेल में सूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद क्राइम कैपिटल बन रहा है। महज 4 दिन पहले डीसी एसएसपी समेत तमाम वरीय पदाधिकारी ने जेल में छापेमारी की थी और वहां से खैनी की पुड़िया और चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिला था, तो धनबाद जेल में रिवॉल्वर कैसे पहुंच गया? एक अपराधी को 6 गोली मारी गई। यह दर्शाता है कि व्यक्ति न जेल के बाहर सुरक्षित है और न जेल के अंदर। राज्य में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और जो भी अधिकारी जेल छापेमारी के दौरान शामिल थे उन सबों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस राज्य के अंदर अराजक की स्थिति है। धनबाद कैपिटल बन रहा है, इस अराजकता का कैपिटल, क्राइम का कैपिटल धनबाद बन रहा है और आज ये साबित हो गया कि किस प्रकार से प्रशासन, पदाधिकारी, सरकार अपराधियों का गठजोड़ इस राज्य के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अभी 4 रोज पहले यहाँ के उपायुक्त ने जेल में छापामारी किया था, हुआ अखबार में छपा, कुछ नहीं मिला, एक चम्मच मिला, कुछ खैनी की पुड़िया मिली और आज 4 दिन के बाद वहां रिवॉल्वर से हत्या होती है, 6-6 गोली अपराधी के सीने में उतार दिया जाता है। मैंने तो मांग किया है कि जो भी इस छापामारी में नीचे से ऊपर तक जो लोग भी थे सबको अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस राज्य के अंदर अविलंब सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तब यहाँ की जनता सुरक्षित होगी, यह राज्य सुरक्षित रहेगा और यह सरकार और अपराधियों और पदाधिकारियों का जो गठबंधन, जो गठजोड़ बन गया है, जो नापाक गठजोड़ बना है, इस गठजोड़ को तोड़ करके यहाँ के जनता को सुरक्षा देना होगा, यहाँ के जनता के विकास के लिए काम करना होगा। इसलिए इमीडिएट